हेलो फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द एडमिशन ऑफ पार्टनर्स चैप्टर नंबर 5। उसमें एग्जांपल 22, भव्य एंड श्लोक आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म अज ऑन 31/3/2017 इज अज अंडर। यहां हमें क्या करना है, जनरल एंट्री दी हुई है पर जनरल एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिपेयर द रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट, वो हमें बनानी है। देखो इस तरह, रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर्स है, तीनों का नाम लिखना है, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बराबर, जनरल एंट्री हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां हमें क्या करना है, पहले तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल दी हुई है भव्य एंड श्लोक की, वो कैपिटल यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे क्रेडिट साइड। देन कैश बैंक की जो दिया हुआ है अमाउंट 50,000, वो यहां डेबिट साइड लिखेंगे। ओके, कैश बैंक में बैलेंस हमने लिख दिया, बराबर, बाकी इसमें और इसमें बैलेंस आता नहीं है। देन दे एडमिटेड आयुष एंड न्यू पार्टनर 1/4/2017 ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। ओके, आयुष एडमिट हुआ, बराबर, न्यू पार्टनर ज्वाइंट हुआ। देन फर्स्ट आयुष बाउट 5 लाख अज हिज कैपिटल, 5 लाख कैश में कैपिटल लाया हुआ है। ये मोस्ट ऑफ सभी सम्स में होगा क्योंकि न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर कोई भी अमाउंट लाते हैं तो उसके लिए क्या करना है, ये एक एंट्री कैश आई हमारे पास तो कैश में डेबिट साइड लिखेंगे। ओके, और उसके पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखना है। यहां देखो कैश अकाउंट, ओके, कैश लाता है तो यहां हम डेबिट साइड लिखेंगे और दूसरी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। ओके, देन 1 लाख अज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये मेन गुडविल की ही एंट्री आपको याद रखनी है, मेन, बाकी सब बहुत इजी है, प्लस माइनस ही करना है। मेन गुडविल क्या करना है, तो गुडविल कैश में लाता है तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुड प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, तो पहली एंट्री वो हो गई। अब ये प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट दोनों पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, यहां देखो यहां ये जो ओल्ड रेशियो है उसके हिसाब से न्यू पार्टनर का जो रेशियो आता है, यहां देखो न्यू रेशियो है और उसमें से माइनस करके हमें यहां सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है। तो यहां देखो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 3/5 - 2/5 3-1 यानी 1/5। श्लोक का देखते हैं 2/5 एंड 1/5, यहां देखो 2/5 एंड 1/5, ये माइनस 2 - 1 करेंगे तो 1/5, यानी दोनों का रेशियो क्या है 1:1, तो उसमें हमें सेक्रीफाइड रेशियो में हमें ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ओके, दो एंट्री हुई, पहले कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट और दूसरी एंट्री यहां गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइड रेशियो के हिसाब से, ये 1:1 में। देन ये मेन चीज, ये फर्स्ट जो दिया हुआ है वो आपको मेन याद रखना है। ओके, बाकी तो सब बहुत सिंपल है, सभी में कॉमन रहेगा। वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 80,000। देखो यहां लैंड एंड बिल्डिंग सेकंड नंबर है, ओके, 3,50,000 है। ओके, उसमें इंक्रीज करना है 80 के, तो यहां देखो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एसेट्स हुई 3,50,000 यहां प्लस किया, बराबर, इंक्रीज बोला है यानी प्लस हुआ, प्लस हुआ सेम साइड यहां देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट में यहां क्रेडिट साइड। ओके, ये 80,000 है यहां प्लस किया तो यहां क्रेडिट साइड। देन वैल्यू ऑफ द मशीनरी टू बी रिड्यूस अप टू द 1,60,000, तो मशीनरी में यहां टिक कर देंगे 3 नंबर, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी सॉल्व करने बैठो तो ये नंबर लिखे हुए तो आपको पता चले। तो 2 लाख रुपीज मशीनरी है, तो मशीनरी में से 1,60,000 करना है तो 40,000 रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, तो यहां माइनस हुआ यानी ऑपोजिट साइड कहां लिखेंगे, डेबिट साइड, रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड, यहां 40,000, जितना भी प्लस माइनस करते उसकी ही दूसरी एंट्री करनी है। ओके, देन प्रोविजन फॉर द
डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी कैप्ट 10% ऑन डेब्टर्स। तो यहां देखो डेब्टर्स कितना दिया हुआ है, 1,20,000। ओके, तो 1,20,000 के 10% करते हैं तो क्या आएगा, 12,000। यहां माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, 1,08,000। ओके, यहां जो माइनस किया है वो यहां लिखेंगे, पर यहां न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, क्योंकि ओल्ड कितनी दी है 10,000, यानी 12,000 माइनस 10,000 यानी 2,000 ही यहां आएगी डेबिट साइड, रियलाइजेशन की डेबिट साइड। देन प्रोविजन फॉर द आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंसेस टू बी मेड 8,000। ओके, तो यहां प्रोविजन फॉर द एक्सपेंस दिया हुआ है, यहां कहीं भी ऐसे कुछ अंदर नहीं दिया है, तो यहां प्लस माइनस नहीं करेंगे, अलग से हम लिख देंगे। ओके, तो पहले यहां आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंसेस हमारा एक्सपेंस हुआ यानी डेबिट साइड लिखेंगे, और दूसरा के आउटस्टैंडिंग है यानी हमारी लायबिलिटीज हुई, तो यहां लायबिलिटीज साइड दोनों लिख देंगे। ओके, एक एंट्री डेबिट साइड और एक एंट्री लायबिलिटीज साइड। देन नाउ द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एट ऑल द पार्टनर्स इज टू बी कैप्ट एट 2:1:2। बराबर, ये तो सिर्फ हमें रेशियो दिया हुआ है और कोई भी इसके एंट्री होगी नहीं, हमें जो गुडविल की अमाउंट थी वो फाइंड करने, सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करने का इसका इस्तेमाल हो चुका है। ओके, चलो देन अब जो भी बैलेंस शीट में अमाउंट बचती है वो हमें लिखनी है। पहले कैपिटल तो हमने लिख दिया, जनरल रिजर्व 90,000, जनरल रिजर्व पार्टनर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बराबर, तो यहां हम लिखेंगे पार्टनर अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशियो से 3:2 में डिवाइड करना है। ओके, तो 54,000 एंड 36,000। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 20,000, वो भी हमारा क्या हुआ, रिजर्व हुआ, तो यह ओल्ड रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेरी बात सुन लो, यहां एडमिशन हो तो यहां ऊपर के जो नाम लिखना है, लिखा हुआ है ना, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिटायर हो तो उसमें 3 नाम होंगे और एडमिशन है तो 2 नाम है, तो 2 को ही यहां डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहां देखो इन्वेस्टमेंट रिजर्व दिया हुआ है 10,000 रुपीज, तो उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, देन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट ही हम यहां लायबिलिटी साइड लिख देंगे बैलेंस शीट में। ओके, सबकी एक एक ही एंट्री होगी क्योंकि बैलेंस शीट में दिया है। गुडविल 1,00,000 रुपीज है, तो 1,00,000 रुपीज कभी भी बैलेंस शीट में गुडविल दी हो तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी 1,00,000 रुपीज है वो कैपिटल या 60,000 एंड 40,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, कैपिटल अकाउंट में बाकी ये सब आ गया, स्टॉक, अब एसेट साइड, देन इन्वेस्टमेंट सेम एसेट साइड, कैश और बैंक तो वो हमने लिख दिया, एडवर्टाइजमेंट कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, ये हमारा क्या है एक्सपेंस है जो एक साल नहीं बहुत साल यूज होता है 10,000 रुपीज, तो वो हमें यहां डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ये एडवर्टाइजमेंट कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट है वो यहां क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहां एसेट साइड है इसलिए यहां कैपिटल की डेबिट साइड लिखेंगे। ओके, देन मोस्ट ऑफ एंट्री कंप्लीट हो गई। ओके, कोई भी एंट्री बाकी नहीं है, तो अब क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो यहां देखो ये टोटल ज्यादा हो रहा है, उसमें से ये माइनस किया 30,000, ओल्ड रेशियो को 3:2 में डिवाइड करना है, यानी 30,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 3+2 यानी 5 आएगा, और 30,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। ओके, तो 80,000 और 12,000 आएगा। इसकी दूसरी एंट्री यहां डेबिट साइड है, तो यहां कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड, ये टोटल करेंगे, यहां डिफरेंट जो निकला बराबर, यानी 2 बैलेंस, और ये बैलेंस कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड। ओके, तो ये हो गया, और कैश का डिफरेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 6,50,000 क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड दूसरी एंट्री यहां लिखी, एसेट साइड, और दोनों का टोटल करते तो 15,48,000 दोनों का टोटल सेम हो गया, दोनों का टोटल सेम हो जाए, यानी हमारा आंसर सही है। सेम ऐसा ही सम एक्सरसाइज में 8 नंबर का दिया है, वो आपको होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए करना है।